दोस्तों, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे का राजस्थान वाला हिस्सा इसी साल शुरू होने वाला है, जिसके बाद दिल्ली से जयपुर जाना बेहद आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएंगे। इससे दिल्ली के धौलाकुआ से जयपुर का सफर बिना रुके मात्र 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज का काम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वही इंटरचेंज के जरिए एंट्री और एग्जिट मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर 12 जगह इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इसमें नौगांव, बड़ौदा, मेव लक्ष्मणगढ़, पिनाल, राजगढ़, मंडावर रोड, भांडा रेंज, डूंगर गांव, दोसा, चिमनपुरा गांव, दोसा, मुंबई गांव, इंदरगढ़ गांव, सिमलिया, चेचेट, दरा और रावत भाटा में इंटरचेंज होंगे। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों की 18 तहसीलों से 265 गांव की सीमा से होकर गुजरेगा। इसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा शामिल है। वहीं जल्द ही अलवर से दौसा का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से दौसा तक का काम अंतिम चरण पर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे महारानी बाग फ्रेंड्स कॉलोनी के पीछे ओखला शाहीन बाग होते हुए सरिता विहार मेट्रो को पार करेगा, जिसके बाद कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास आकर आगरा नहर किनारे से होकर फरीदाबाद जाएगा। इसके बाद सेक्टर 37 के सामने आगरा गुरुग्राम नहर से पुल बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद पिनार से दिल्ली की दूरी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी। रोजपुर झिरका से अलवर की दूरी 73 किलोमीटर है। अभी इस दूरी को पूरा करने में 1.5 घंटा लगता है। एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद इस दूरी को 30 से 40 मिनट में पूरा किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को जयपुर से जोड़ने के लिए 6 लेन लिंक रोड बन रहा है। ये लिंक रोड दौसा से जयपुर के 85 गांव से होकर गुजरेगा। NHAI के अधिकारियों का कहना है धौलाकुआ से जयपुर की दूरी 270 किलोमीटर है। यह दूरी NH8 के लगभग बराबर है, लेकिन एक्सप्रेसवे केवल हाई स्पीड गाड़ियों के लिए, इसलिए दिल्ली जयपुर के बीच का सफर महज 3 घंटे में तय किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।